और इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में भी कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है, पता नहीं। आज सुबह से आलसी भरा दिन था। क्या बना रहे हो आप? प्याज टमाटर। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। आज पूरा आलसी भरा दिन रहा, थकान भरा दिन रहा, सोता रहा मैं। आज कुछ भी नहीं कर पाया मैं, ये शोर मचा है। तो आज मैं कुछ बनाना है सोच रहा था बनाने की, लेकिन सोते 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 पूरा मतलब मैं 6 घंटे सो गया, पूरे दिन 6-7 घंटे सोता रहा। व्लॉग करना चाह रहा था लेकिन व्लॉग हो ही नहीं पाया, मतलब अंदर से ही नहीं मतलब मन किया उठने का। इंस्टाग्राम पे मैंने कल मैगी की रेसिपी अपलोड करी थी, मतलब रेसिपी नहीं थी, मैंने फ़ोटो क्लिक करके डाली थी कि नेक्स्ट व्लॉग ये आने वाला है, लेकिन सॉरी नेक्स्ट व्लॉग आ गया है पिज़्ज़ा सैंडविच का, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ। विदाउट मतलब ऑयल लगेगा, लेकिन बहुत कम ऑयल लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने किया हुआ है। मैंने 3 शिमला मिर्च ले लिए, ये 2 प्याज ले लिए और टमाटर ले लिया, और ये अपना पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए ओरिगैनो, ये अपना चीज आ गया, तो ये हमारी आ गई ब्रेड। पिज़्ज़ा टॉपिंग जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, उससे पहले मैं इसके अंदर ओरिगैनो डाल रहा हूँ। टेस्ट करिए जरा, बताइए टेस्ट करिए। बट ऊपर चीज़ नहीं लग पाया, और जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो मार्केट में मिलती नहीं, नहीं चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, हाँ अब पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ है, इसके ब्रेड के अंदर चीज़ है, चीज़ सैंडविच, हाँ ना पिज़्ज़ा मुँह से निकल गया ना वो बातों बातों में, हार्डली क्रिस्प नहीं हो पाया। ग्रिल्ड वाला, ग्रिल्ड वाला क्रिस्प हो जाता। मुझको बताइए कैसा है, कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड जॉब।
इतने टाइम बाद छत पे आया हूँ, मतलब व्लॉग छत पे आया, मतलब व्लॉग के अंदर छत आई है। तो दो दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाला था मैगी का, कि एक चैलेंज आने वाला है, एक मैगी की रेसिपी आने वाली है, लेकिन वो भी नहीं हो पाई किसी वजह से, और बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे पतंग अटक गई थी किसी भैया की, जो कि ये हैं, तो अभी इनकी पतंग अटक गई थी यहाँ पे, तो फिर मैंने निकाली पतंग। मतलब लॉकडाउन में बंदा करे तो क्या करे, टाइम पास करने के लिए कभी कभी बहुत सारे बंदे पतंग उड़ा रहे हैं आसमान में, और अपना तो टाइम पास ब्लॉगिंग के साथ हो रहा है। और इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में भी उस न्यूज़ सुनने में आ रही है, पता नहीं बंद हो रहा है, पता नहीं जो भी हो रहा है कि कितने टाइम तक बंद रहेगा, क्योंकि आज की डेट थी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो मैं तो कहूँ ये चीज़ बंद हो गई तो पता नहीं बंदे पागल हो जाएंगे इन चीज़ के बगैर, बंदे पागल हो जाएंगे। मेरा मूवी पता नहीं क्या हो रहा है, तो जो भी है मैं तो कहूँ सब जो भी सॉर्ट आउट हो जाए सब गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच, तो सब चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। और फेसबुक इंस्टाग्राम आज की डेट में ये चीज़ हो चुकी है, फेसबुक तो खैर आज की डेट में कोई चलाता ही नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम आज की डेट में बहुत लोग यूज़ करने लग गए हैं। और अभी एक दो दिन में हो सकता है मैगी चैलेंज आ जाए, जो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया था, जो कि हो नहीं पाया, मैगी चैलेंज भी आ जाएगा। और ऊपर से इसके अलावा पिज़्ज़ा सोच रहा हूँ मैं घर पर बनाने की, पहली बार पिज़्ज़ा बनाऊँगा घर पर, तो पिज़्ज़ा रेसिपी भी देखने को बहुत जल्द मिल सकती है। बहुत जल्द आपका भाई कैमरा ले लेगा, मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कैमरा लेने की, क्योंकि फ़ोन के साथ शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फ़ोन अगर ऑन रहता है तो किसी का कॉल आ जाए या कुछ भी मैसेज वगैरह आते तो फिर दिक्कत आती है, फ़ोन एकदम हैंग हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ भरा पड़ा है इसके अंदर, एप्लीकेशन बहुत सारी है। तो कैमरे के साथ जो एक बंदा शूट करता है प्रॉपर, वो एक क्वालिटी भी देता है कैमरा, और चीज़ भी बढ़िया बनती है। फ़ोन के साथ शूट नहीं हो पाता, पहले तो इसको एयरप्लेन मोड पे डालता हूँ मैं जब शूट कर रहा होता हूँ, उसके बाद शूट करता हूँ मैं ब्लॉग, तो बहुत पंगा है यार। तो फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय, और अपने भाई को आगे बढ़ाओ, व्लॉग चैनल मेरा सब्सक्राइब करो द एम के व्लॉग्स, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, जो कि प्रायोरिटी है सबसे पहले। तो इसी के साथ गुड बाय।